हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल जरा फड्डा पे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि आज अपन बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की। ऑल्दो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिक वैकेंसी है। ऑल्दो हम राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की बात नहीं करने वाले हैं, अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की। उस वैकेंसीज की अब बात करें कि सर आने वाली है या नहीं आने वाली या आ चुकी है, सिलेबस वगैरह क्या है, सारी बातें बाद में। उससे पहले दो सरप्राइज जो हैं आप लोगों के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट आप सभी के सामने है कि एक जो बिगेस्ट सरप्राइज है वो आप सभी के लिए 10 अगस्त को लॉन्च होने जा रहा है। अभी सरप्राइज क्या होगा, क्या चीजें इसमें है, ठीक है, किन किन लोगों के लिए बेसिकली होगा, तो सब कुछ आपके लिए आने वाला है 10 अगस्त को। तब तक डेफिनेटली इंतजार थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि सर जो इंतजार का फल होता है बहुत मीठा होता है। दूसरा सरप्राइज आपके लिए ये है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, हमारी आजादी का दिन जो आ रहा है, तो सभी ने प्लान किया है कि 15 अगस्त 15 घंटे लगातार जो आपकी क्लासेस हैं वो कंडक्ट होने वाली है, जो कि रहेगा आपके पेपर 1 के लिए। यूजीसी नेट 2020-2023 को आप टारगेट कर रहे हैं, 15 घंटे लगातार 15 अगस्त को बिल्कुल देखना ना भूलें पेपर 1। चलिए, ये तो बात हो गई छोटी जो आपको मैं बताना चाह रहा था। मेन जो अपन को बात करनी है इस वीडियो में कि हमारा जो एग्जाम की बात करें, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, एक छोटी सी चीज जो बताना चाह रहा हूं कि अगस्त 2022 की अपन बात करें तो क्या हुआ था, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट निकाला गया, फॉर्म सभी के फिल करवा लिए गए, बट एग्जाम आपका जो है कंडक्ट नहीं हो पाया। बिकॉज रीजन क्या था कि आपका जो ये जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है, इसमें आयोग का गठन नहीं हुआ था, कुछ मेंबर्स वगैरह उस टाइम पे नहीं बन पाए थे। अब क्या हुआ है, अभी अभी अगर अपन बात करें लेटेस्ट जो चीज अभी हुई है यहाँ पे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में, आपका जो आयोग का जो गठन है वो इसी महीने यानी कि अगस्त में आपका होने जा रहा है। अब जो भी पिछले साल वाले जो पेंडिंग काम थे या पिछले साल से अभी तक जो काम नहीं हुए, आपका जो रिक्रूटमेंट अटका हुआ था, वो डेफिनेटली अब आपका जो पूरा होने जा रहा है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर अपन बात करें जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं नेट 2023 दिसंबर को, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। एक तीर से बहुत मल्टी डायमेंशन में आप लोग अपना निशाना को साध सकते हैं। कैसे सर, कि एक तो एग्जाम अपना यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का हो जाता है, दूसरी अगर अपन बात करें, आपको पता है कि वेस्ट बंगाल सेट का भी एग्जाम आपका नोटिफिकेशन उसका आउट हो चुका है, और थर्ड आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का टारगेट। ये तो हो गए। अगर अपन बात करें यूपी में ही, दो और हमारे पास बड़ी वैकेंसी देखने को मिलती है जो यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए है, तो अपन वहां पे भी अपना टारगेट कर सकते हैं। तो मतलब दिसंबर तक आपके पास इतने सारे नौकरियों की लड़ी सी लगी हुई है, तो जहां आप निशाना अपना बनाएंगे, जहां अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, डेफिनेटली अपना एग्जाम क्रैक भी हो पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं आप, अगर एक सिस्टमैटिक वे से अगर आप लोग अपनी स्टडी को करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर पेड कोर्सेज। और दूसरी बात ये है कि देखो, एक सिस्टमैटिक वे से अगर अपन पढ़ेंगे ना, तो डेफिनेटली थोड़ा सा हमारे समझने के लिए भी चीजों को इजी हो जाता है, हम अच्छे तरीके से एक प्रॉपर एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं, कर पाते हैं। तो एक ये छोटी सी मुझे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बने रहिए जारे फट्टा के साथ। थैंक यू सो मच।